मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांगड़ा जिला के प्रागपुर दौरे में मंच पर सांसद अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आपसी विरोधाभास अब खुलकर सामने आ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष ने भी भाजपा की अंदरूनी लड़ाई पर चुटकियां लेना शुरू कर दी हैं। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा कई धड़ों में बढ़ चुकी है और इससे पहले भी सरकार खुले मंचों में कई धड़ों में बढ़ती हुई नजर आई है। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूमि स्थानांतरण मुद्दे पर सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी ही भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है, तो वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इशारों ही इशारों में सांसद अनुराग ठाकुर को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है और भाजपा के दड़ों में बंटने का नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सुजानपुर में सुजानपुर कांग्रेस ब्लॉक की बैठक में पंचायती राज चुनावों को लेकर आगामी रणनीति बनाई गई। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि पूर्व सैनिकों की पेंशन पर सरकार कटौती करने की बातें कर रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर सुजानपुर में सरकार में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार को जगाया जा सके। पूछा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है आज पूरी तरह कई धड़ों में बढ़ चुकी है, और इससे पहले ज्वाला जी में जो एक ज्वाला फूटी है, चिंगारी चली है ज्वाला जी से, आप देखिए कि इससे पहले कई जगह सरकार जो है वो धड़ों में बढ़ती हुई जो है वो नज़र आई है, परंतु कल जिस तरीके से जसमा प्रागपुर चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत जो है जो वहाँ पर जो कार्यक्रम शिलान्यास उद्घाटन हुए और जनसभा में मुख्यमंत्री के समक्ष जो है यहाँ के जो लोकल सांसद हैं उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है और मुख्यमंत्री और सरकार को जो है काम ना करने की उन्होंने बात कही है कि सरकार इसमें कॉपरेट नहीं कर रही है, सरकार ज़मीन को जो है स्थानांतरण नहीं कर रही है। इस तरह जिस तरीके से मुख्यमंत्री और सांसद जो राज्य मंत्री भी हैं केंद्र में, उनमें जो नोक झोंक हुई है, इससे लगता है कि ये लोग जो हैं ये सरकार जो है आपसी लड़ाई में उलझी है और प्रदेश का विकास पूरी तरह जो है थम गया है और लोग परेशान हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस सरकार को रुखसत करने के लिए प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। अभी पंचायतों के चुनाव हैं, पंचायतों में भी इनको जो है वो सबक सिखाएगी प्रदेश की जनता, और आने वाला विधानसभा का जो चुनाव 2022 में होगा उसमें भी इस सरकार की जो जिस तरीके से कारगुजारी है, आपसी खींचातान है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के जो बार बार जो है सामने जो चीज़ें आ रही हैं, कभी मुख्यमंत्री हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं सांसद से तो सांसद हाथ नहीं मिलाते हैं, इस तरीके से कई तरह की, और कल जो बिल्कुल ही मंचों पर जो लड़ाई है इनकी सामने आ गई है, इसे प्रदेश की जनता जो है वो देख भी रही है और प्रदेश का नुकसान भी हो रहा है और एक दूसरे को नीचे लगाने के लिए लोग जो काम कर रहे हैं इससे प्रदेश का भारी नुकसान जो है वो हो रहा है। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को यह बात समझनी चाहिए और आने वाले समय में इनको सबक सिखाना चाहिए। जनपद ब्लॉक की हमारी मीटिंग हुई है और इसमें हमारे डीसीसी की तरफ से जो प्रभारी लगाए गए हैं संजीव कालिया जी, वो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और डीसीसी की तरफ से भी जुगल किशोर जी हैं, डोगरा जी हैं, शेरशाह जी हैं, सभी इस मीटिंग में शामिल रहे हैं और सुजानपुर के ब्लॉक के सभी कार्यकर्ता इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और इसमें पंचायती चुनावों को लेकर जो तैयारियाँ की जा रही हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है और साथ में बूथ कमेटियों का रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आज ये है कि हमारी देश की सेवा करने के बाद जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनकी पेंशन को लेकर जो असमंजस पैदा हुआ है और बार बार मीडिया में ये चीज़ें आ रही हैं कि पेंशन पे भी सरकार कट लगाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी ही जो हमारे चाहे एम्प्लॉइज़ हैं चाहे हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनका डीए फ्रीज कर दिया गया है और अब पेंशन को कट लगाने का सरकार जो तैयारी कर रही है उसके विरोध में भी यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ है। और 28 तारीख को सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के जो पूर्व सैनिक हैं सरकार के खिलाफ जो है सुजानपुर में प्रदर्शन भी करेंगे ताकि ये सोई हुई गूंगी सरकार जाके और लोगों के ऊपर जो है ये जो अन्याय करने जा रही है और न्याय कर रही है, जैसे कि हिंदुस्तान में किसान बिल लेके आई है जिससे किसान पूरे देश का परेशान है, उसी तरह आज पूर्व सैनिक जो हैं वो भी इस बात को लेकर असमंजस में है कि हमारे भी पेंशन जो है उसको कट लगाने की सरकार तैयारी कर रही है। सैनिक देश की सेवा के लिए हमेशा इस देश की रक्षा सुरक्षा में सबसे आगे आते हैं और बॉर्डरों पे ये लोग जो हैं सेवाएं दे रहे हैं तभी हम लोग जो हैं सुरक्षित हैं।
उस सिलसिले में भी 28 तारीख को सुजानपुर में जो है प्रदर्शन किया जाएगा, और ताकि ये सरकार जो है जिस सैनिकों की पेंशन को लेकर भी जो कट लगाने की तैयारी कर रही है उसका भी विरोध किया जाए ताकि सरकार ये जागे। इस सिलसिले में आज बैठक हुई है और आज कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर ये फैसला लिया है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक संजीव कालिया, जुगल किशोर, रमेश डोगरा भी मौजूद रहे।